हल्द्वानी में एक युवक ने बहन के ससुरालियों पर दहेज प्रताड़न का आरोप लगाया है। आरोप है कि इसे लेकर उसकी बहन को मारा पीटा जाता था। इस बीच उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि शहर के नीलियम कॉलोनी में किराए में रह रही मूल रूप से गंगोली हाट निवासी दिव्या भंडारी उर्फ गुड्डी की 3 दिन पहले फांसी के फंदे में झूलने से मौत हो गई। इस मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। मायके पक्ष ने ससुरालियों पर दहेज प्रताड़न का आरोप लगाया है। मामले में मृतका के भाई नीरज सिंह ने पुलिस को तहरीर सौंपी है। आरोप है कि विवाह के बाद से ही दिव्या का पति पूरन सिंह भंडारी, ससुर शेर सिंह, सास और जेठ अक्सर दहेज की मांग करते रहते थे। असमर्थता जताने पर उसके साथ मारपीट की जाने लगी और इस मामले में पूर्व में गंगोली हाट थाने में भी शिकायत की गई। और आरोप है कि 28 अगस्त को भी ससुरालियों ने दिव्या के साथ मारपीट की और इसके कुछ देर बाद फोन पर यह बताया गया कि दिव्या ने सुसाइड कर लिया है। और अब तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है।